और कितनी निर्भया। डॉक्टर मौमिता देवनाथ कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद अब महाराष्ट्र में बदलापुर कांड। थाने में एक नामी स्कूल की नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली चार चार साल की दो बच्चियों का यौन शोषण। आखिर कब थमेगी नर पिशाचों की दरिंदगी। जनमानस में भारी आक्रोश व गुस्सा। कानून से की मांग, बलात्कारियों को हो सीधे मौत की सजा का प्रावधान। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2022 के बीच भारत में बलात्कार के कुल 1,89,000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1,91,000 पीड़ित शामिल थे। इस दौरान भारत में रोजाना औसतन बलात्कार के 86 मामले दर्ज किए गए, यानी हर एक घंटे में बलात्कार की 4 घटनाएं हुई हैं। और यह हम नहीं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है। यौन उत्पीड़न बलात्कार के विरुद्ध देश के अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन निर्भया कांड के बाद भी इस दिशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। और अब उसी का विभत्स परिणाम, एक और निर्भया कांड कोलकाता की महिला डॉक्टर मौमिता देवनाथ के रूप में हमारे सामने है। जी हां, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ विभत्स बलात्कार और हत्या का मामला पूरे देश में गूंज रहा है। इस मामले में देश भर के डॉक्टर्स ने 24 घंटे की हड़ताल भी की। वहशियाना और दरिंदगी से भरी इस घटना के बाद देश में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर जनमानस की जुबान पर है। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अब महाराष्ट्र में ठाणे के बदलापुर में 4 साल की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इसके बाद गुस्साए बदलापुर वासियों ने ट्रेन रोक दी। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने मुंबई जाने वाली ट्रेन के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। साथ ही मामले में स्कूल प्रशासन के आगे नहीं आने से भी बदलापुर के लोग काफी नाराज हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चियों के साथ स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में 23 वर्षीय सफाई कर्मी ने यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में FIR दर्ज की गई और सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिभावकों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा को हल्के में लिया और कोई आश्वासन या माफी नहीं मांगी। वहीं पुलिस जांच में स्कूल प्रबंधन की ओर से कई खामियां और लापरवाही सामने आई हैं। लड़कियों के वॉशरूम में कोई महिला अटेंडेंट ना होने के अलावा स्कूल में कई CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे और इस वजह से परिजनों में स्कूल के प्रति भारी आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं राजेश पंडित और आप देख रहे हैं क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट। हाल ही में यूपी के अंबेडकर नगर जिले के बसखारी CHC परिसर में मंगलवार रात एक महिला चिकित्सक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 30 वर्षीय डॉक्टर सुधा स्वाति सिंह, जो CHC में तैनात चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत सिंह की पत्नी थी, को फांसी पर लटका हुआ पाया गया। पति के अनुसार सुधा ने पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर आत्महत्या की, जिसे देखकर अफरा तफरी मच गई। तत्काल उसे फंदे से उतारकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चिकित्सक पति और उनके परिवार के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सुधा का शव मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और CO City देवेंद्र मौर्य ने मौके पर पहुंचकर CHC के सरकारी आवास को सील कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल से भेजा गया और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का विधिवत निरीक्षण किया। नमूने एकत्र किए गए और जांच शुरू की गई। परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की है। सुधा के मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि विवाह के बाद से ही दहेज के लिए उनकी बेटी की प्रताड़ना की जा रही थी। उनके अनुसार डॉक्टर प्रशांत और उनके परिवार ने दहेज की मांग की और सुधा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। बिहार के आरा से पहुंचे परिजनों ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। इस आरोप के बाद पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। डॉक्टर प्रशांत सिंह
और सुधा स्वाति सिंह की शादी 10 मई 2022 को हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति से इस प्रेम विवाह को अंजाम दिया गया था। शादी के बाद से दंपत्ति बसखारी CHC के आवासीय भवन में रह रहे थे और सुधा निजी दंत चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस कर रही थी। अब चूंकि दोनों एक ही कमरे में रहते थे, इसीलिए स्थानीय लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि एक ही कमरे में रहते हुए डॉक्टर प्रशांत ने अपनी पत्नी स्वाति सिंह की फांसी की घटना को कैसे नहीं देखा। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि पुलिस को तत्काल सूचना क्यों नहीं दी गई। बताया गया कि स्वाति के मायके से पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई, जिसके बाद बसखारी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जांच जारी है और पुलिस ने सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन करने का आश्वासन भी दिया है। इस विवाद ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी है और लोगों के बीच असमंजस का माहौल बना दिया है। तो जी हां, क्राइम और क्रिमिनल से बचना है तो सजग रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।